जनकपुर का ही नाम मिथिला है, चाहे मिथिला कहिए या जनकपुर कहिए। जब भगवान मिथिला में आए तो मिथिला की सखियां, मिथिला की स्त्रियां राम जी को देख करके और सीता जी को देखती हैं। एक बार राम जी को देखती और एक बार सीता जी को देखती हैं और दोनों का मिलान करती हैं रूप का। और मिथिलानियां मगन होकर के कहती हैं, क्या सजनों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर भगवान से मिलना हो और भगवान को अगर प्रसन्न करना हो तो भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ दीजिए। कैसा रिश्ता? भगवान के साथ एक रिश्ता जोड़ दीजिए। और कौन सा रिश्ता? कवि ने वर्णन किया कि जोग जप तप उपवास से, कि चाहे जोग कर लीजिए, चाहे तप कर लीजिए, चाहे उपवास कर लीजिए, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर भगवान को जल्दी में प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? कहा जोग जप तप उपवास से मिले नहीं भगवान। कहा तो मिलेंगे कैसे? कहा रिश्ता जोड़ दीजिए। कैसा रिश्ता? कि मिथिला नाते हरि मिले। भगवान के साथ रिश्ता जोड़ दीजिए, मिथिला का रिश्ता है ना। मिथिला नाते हरि मिले दुलहरूप भगवान। मिथिला का नाता जोड़ दीजिए। और मिथिला का नाता जब जोड़ देंगे ना, हो आदमी हर जगह से रूठ सकता है ना। आदमी हर रिश्तेदारी से रूठ सकता है लेकिन कभी ससुराल के रिश्ता से नहीं रूठ सकते हैं, है ना। ससुराल से नहीं रूठते, अगर रूठ भी जाते हैं तो फिर जल्दी मान भी जाते हैं क्योंकि मनाने वाले भी हजार होते हैं। इसलिए भगवान के साथ रिश्ता जोड़ दीजिए। हम और आप मिथिलावासी बन जाइए। अवधवासी तो सरकार मौजूद है, कहना है। मिथिलानियां राम जी को देखती हैं और कहती हैं, क्या अरजे हने किशोरी मोरी हो, कि जैसी मेरी किशोरी है यानी जैसी मेरी सीता जी हैं। मिथिलानियां सीता जी को देख रही हैं, अपनी सखी को देख रही हैं और राम जी को देख रही हैं और रूप का मिलान कर रही हैं कि वाह, अरे जे हने किशोरी मोरी। ये सीता जी की सखी हैं। मान लीजिए ये मिथिलावासी हैं, ये राम जी को देख करके अपनी सखी को देख रही हैं, राम जी को देख रहे हैं और दोनों को देख करके उनके रूप का मिलान कर रही हैं और आज मगन है ये, और मगन में और मगन मुक्त होकर के कुछ कुछ झूम रही हैं और कह रही हैं, अरे जे हने किशोरी मोरी, अते हने किशोर है विधाना लगावल जोड़ा। ये जोड़ा हम और आप नहीं बनाए, किसने बनाया? अरे विधाना लगावल जोड़ा, अरे तेहने बेजोड़ है विधाना लगावल जोड़ा, तेहने बेजोड़ है विधाना लगावल जोड़ा। जे
जे हने किशोरी मोरी ते हने किशोर है जे हने किशोरी मोरी ते हने किशोर है विधना लगावल जोड़ा विधना लगावल जोड़ा ते हने बेजोर है विधना लगावल जोड़ा ते हने बेजोर है विधना लगावल हरि बोल विधना लगावल जोड़ा तेहने बेजोड़ है। मिथिला की सखी गा रही है कि आज मेरे धन भाग हैं और कह रही है कि राम जी कैसे हैं और दुल्हा का रूप कैसा है। गौर करेंगे, ये वर्णन कर रही है। श्याम बराना घुमड़ल घाटा घाना घोर है श्याम बराना घुमर घट घन घोर है कि राम जी का रूप कैसा है, जिस प्रकार की आसमान में यानी बादल अपनी घटाएं लगाते हैं, है ना। श्याम बराना घुमरल घट घन घोर है और इ हमें किशोरी मोरी श्याम बराना घुमरल घट घन घोर है बराना घुमरल घट घन घोर है इ हमें किशोरी मोरी ओ हमें किशोर है इ हमें किशोरी मोरी और एक शब्द पर आप ध्यान देंगे, गौर करेंगे। मिथिलानियां अपने आप को बड़भागी समझ रही हैं, कह रही हैं क्या, जिन काला जोगी मुनि कैलान जोग है कि जिनके लिए ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, ध्यान करते फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते, आज हम मिथिलावासी कितने बड़भागी हैं, कह रही हैं।
जिनका लजोगी मुनि कैलान जोग है। जिनका लजोगी मुनि कैलान जोग है, कैलान जोग है, से मोर पाहुन, से मोर पाहुन। भैया हो मिथिलानिया कह रही है, एक मिनट राम जी, मिथिलानिया कह रही है कि जिनका ले जोगी मुनि कैलन जोग है, कि जिनके लिए ऋषि मुनि हमेशा तपस्या क्या करते हैं, ध्यान क्या करते हैं, फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन हम मिथिला वासी कितने बड़भागी हैं। आहा, कि जिनका लजोगी मुनि और कैलान जोग है, और कैलान जोग है, से मोरा पाहुना, से मोरा पाहुना। अरे राम चीत जो रहे से मोर पाहुन, 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 राम चीत जो रहे से मोर पाहुना, राम चीत चोर है।